तत्कालीन महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं। बजट पेश करने के दौरान कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो काफी कठिन होते हैं और अक्सर लोगों को समझ नहीं आते हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं बजट के दौरान बोले जाने वाले उन कठिन शब्दों का मतलब। पहला शब्द है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी भी व्यक्ति, संस्थानों की आय और उसके स्रोत पर लगता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जिसे आप सीधे तौर पर जमा नहीं कराते, लेकिन आप किसी और रूप में वो टैक्स जमा करते हैं, यानी कि उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देश में तैयार, आयात या निर्यात किए गए सभी सामानों पर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क के जरिए ये टैक्स वसूला जाता है। एक्साइज ड्यूटी। देश में बनने और यहीं बिकने वाले हर सामान पर लगने वाले टैक्स को एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। कंपनियों को अपनी फैक्ट्री में से सामान निकालने से पहले एक्साइज ड्यूटी को भरना जरूरी होता है, और ये जरूरी नहीं कि एक ही तरह की चीजों पर बराबर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए। ये सरकार की कमाई के सबसे बड़े साधनों में से एक होता है। बजट लेखा जोखा। वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट लेखा जोखा कहा जाता है। संशोधित लेखा जोखा। बजट में किए गए आकलनों और मौजूदा आर्थिक परिस्थिति के मद्देनजर इनके वास्तविक आंकड़ों के बीच के अंतर को संशोधित लेखा जोखा कहा जाता है। बजट घाटा। जब सरकार के राजस्व से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो पैदा होने वाली उस स्थिति को ही बजट घाटा कहते हैं। बैलेंस बजट। जब सरकार की प्राप्तियां मौजूदा खर्चों के बराबर होती हैं तो उसे बैलेंस बजट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आय और व्यय पर लगने वाला कर काफी है और इससे वस्तु एवं सेवाओं के भुगतान के साथ साथ राष्ट्रीय कर्ज पर लगने वाले ब्याज को भी अदा किया जा सकता है। न्यूज डेस्क।